ये दिवाली नो पेट खाली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुभाष शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हो टेक विद सुभाष। दोस्तों, जब भी हमारा कोई नया फेस्टिवल आता है या फिर कोई पार्टी होती है, शादी होती है, तो उसमें हम खाना बनाते हैं और खाना हम ज़्यादातर ज़्यादा ही बना लेते हैं जितने हमारे गेस्ट आने होते हैं। उस खाने का हम करते हैं, उस खाने को हम जब ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन आज से आपको ऐसा नहीं करना है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा तरीका जिसमें आपका जो बचा हुआ खाना है वो उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिन लोगों के पास खाना नहीं है। वो खाने की वजह से दर दर भटकते रहते हैं और आखिर में भूख की वजह से उनकी मौत हो जाती है। जी दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, जितनी टीबी, मलेरिया, कैंसर से इंडिया में मौत नहीं होती, उतनी ज़्यादा मौत है सिर्फ भूख की वजह से हो जाती है। और हम अपने खाने को ऐसे बेकार में फेंक देते हैं जिसके हमें ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, अगर आपके पास बचा हुआ खाना है उसको आप एक ऐसी जगह डोनेट कर पाओगे जिस जगह से लोग खाना खा सकते हैं जो भूख से मर रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रेड एफएम ने एक नई पहल की है हैप्पी फ्रीज के साथ मिलकर। वो नई पहल क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस तरीके की ये फ्रिज है। ये नॉर्मल फ्रिज की तरह ही है लेकिन इसका काम अलग है। वो काम ये है कि ये कहीं पर भी आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ मॉल होते हैं बड़े बड़े या फिर ऑफिस के बाहर जो है वो लगाई हुई होती है। इसमें आपको क्या करना है, आपका जो बचा हुआ खाना है वो इस फ्रिज में लाकर रख देना है और कोई भी जो भूखा हो वो इस फ्रिज से खाना निकाल कर खा सकता है, उसको छूट है, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। एक तरीके से आपका जो बचा हुआ खाना है वो उस इंसान के पास पहुंच रहा है जिसको भूख लगी हो और वो जो है वो मरेगा नहीं भूख से। और गाइस, आपको ये जानकर बड़ी ही खुशी होगी कि ये फ्रिज आपको फ्री में मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको फ्री में मिल सकती है। कैसे मिलेगी आज की स्टूडियो में आपको बताऊंगा। आप अपनी कोई भी कॉलोनी में लगा सकते हो, कोई भी मार्केट है आपका या फिर आपकी ऑफिस है उसके बाहर लगा सकते हो। आपका बिल्कुल भी खर्चा नहीं होगा, फ्री में आप जहाँ कहोगे वो जो है वो लगा कर जाएंगे ये फ्रिज। और उसके बाद जब रख रखाव आपको करना है, क्योंकि जब आप रख रखाव नहीं करोगे तो कोई भी काम जो है वो सही से नहीं होगा। रख रखाव आपको करना है, बस वो इंस्टॉल करके जाएंगे इस फ्रिज को, उसके बाद जो है वो लोग बचा हुआ खाना यहाँ पर लाकर रख देंगे और जिनको खाना होगा वो निकाल कर खा लेगा। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको आगे का प्रोसेस करना है, किस तरीके से आपकी मार्केट में, आपकी ऑफिस के आगे या फिर कहीं पर भी कॉलोनी में आप इसे लगवा सकते हो। उससे पहले गाइज, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं लाइक करने के लिए नहीं बोल रहा, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन इस वीडियो को जो है वो शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इससे जो है वो बहुत से लोग ऐसे हो जो इस फ्रिज को लगवाए और उनको खाना मिल जाए जिनके पास खाना नहीं है। क्योंकि मेरा मकसद यही है कि इस दिवाली नो पेट खाली, कोई भी जो है भूखा ना मरे। मैं ज़्यादा ना कुछ कर पाऊँ तो कम से कम मेरे वीडियोज देख कर लोग ये तो लगवा ले, ताकि मुझे भी भगवान की तरफ से थोड़ा बहुत पुण्य मिले। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको वीडियो के टाइटल पे क्लिक करना है। टाइटल पे क्लिक करने के बाद वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगी और यहाँ पर मिलेगी आपको एप्लीकेशन की लिंक। तो इस पे क्लिक करके आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिस एप्लीकेशन का नाम है रेड एफएम। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद इसे आपको ओपन करना है। कुछ इस तरीके से ये ओपन होगी, आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट आपको करना है, तीन बार आपको नेक्स्ट करना है, जिस तरीके से ये नेक्स्ट करने के लिए बोल रहा है। गो अहेड पे क्लिक करने के बाद इसमें आपको लॉगिन करना जरूरी है, साइन अप करना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप ऑर्डर नहीं कर पाओगे। फ्री में ऑर्डर होगा लेकिन ऑर्डर नहीं कर पाओगे लॉगिन किए बिना। तो यहाँ से आप फेसबुक, ट्विटर और गूगल के साथ जो है लॉगिन कर सकते हो। मैं गूगल के साथ इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हो मैंने गूगल के साथ इसमें लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद कुछ ये लोडिंग ले रहा है और यहाँ पर आपको जो है लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो आपकी जो भी लोकेशन हो वो सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आपका ऑर्डर वाली लोकेशन नहीं है तो आप कोई भी जो आसपास की लोकेशन कर सकते हो, अगर आप जो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ से जो जोधपुर कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी जो पास वाली नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ से जो जोधपुर ना करके जयपुर ही कर लेता हूँ आपके सामने। इस तरीके से आपको जो लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद ये जो बटन है नेक्स्ट का, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आगे जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप गाइस देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर गाइस आप अगर गौर से देखोगे तो आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिला है इसमें, नो पेट खाली के नाम से। तो ये जो स्टार वाला बटन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो इससे जो आगे है यहाँ पर लिखा इस दिवाली रेड एफ एम कहता है नो पेट खाली। तो यहाँ पर ही आपको जो ऑर्डर करना है, ऑर्डर किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ बी ए हैंगर हीरो। तो यहाँ पर प्ले नाउ पे क्लिक कर देना है। प्ले नाउ पे क्लिक करने के बाद पहला स्टेप आ जाएगा, आपको चार स्टेप पूरी करने हैं। देख सकते हो पहले स्टेप में आपको क्या बोल रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पहले स्टेप में आपको बोल रहा है, इफ यू विश टू होस्ट ए हैप्पी फ्रिज दिस दिवाली एंड फील द
needy. Please share your name, location and content detail or team will be get back to you. तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि अगर आपको हैप्पी फ्रिज चाहिए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका नाम बताना होगा, उसके बाद आपकी लोकेशन और जो है कंटेंट इन्फॉर्मेशन बतानी होगी, और उसके बाद ये जो टीम है वो आपसे जो है संपर्क कर लेगी। तो यहाँ पर आपको नाम लिख देना है, जिस तरीके से मैं अभी आपको लिख कर दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपको नाम लिख देना है और उसके बाद आगे जो भी आपका नाम हो जो आपको लिख सकते हो इस तरीके से, जैसे कि मेरा सुभाष शर्मा नाम है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सुभाष शर्मा, देख सकते हो इस तरीके से मैं सुभाष शर्मा नाम लिख दिया हूं मैं। उसके बाद आपको लोकेशन लिखनी है, जैसे कि लोकेशन लिखने के बाद आप जो अपना एड्रेस लिख सकते हो इसमें, लोकेशन जो भी आपका एड्रेस हो, जैसे कि गली का, मार्केट का, जो भी लोकेशन की जो आपकी डिटेल हो, जैसे कि लिख सकते हो मैन मार्केट जयपुर वगैरह वगैरह, जो भी आपका एड्रेस हो वो लिख सकते हो। उसके बाद एक या फिर मोबाइल नंबर दीजिए, जीमेल आईडी दे सकते हो आप, इस तरीके से दे सकते हो। फिलहाल मैं जो नेक्स्ट करने वाला हूँ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा वीडियो बनाने में, तो आपको नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा आ रहा है, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है डू यू हैव ए लोकेशन रेडी टू सेट अप द हैप्पी फ्रिज हैविंग एक्सेस टू बोथ डोनर एंड रिसीवर, कि आपके पास कोई ऐसी लोकेशन है जहां पर आप हैप्पी फ्रिज को इंस्टॉल कर सको, अच्छी लोकेशन जहां पर जो है वो आपको हो सकता है कि ऐसा छोटा सा फ्लेस हो जहां पर जो है वो ये इंस्टॉल की जा सके फ्रिज, जहां से जो कोई बंदा अगर उसमें फ्रिज में खाना रखना चाहे तो वो रख सकता है और जो निकालना चाहे खाने के लिए वो निकाल सकता है, ऐसी आपके पास लोकेशन है तो आप यहां से कर सकते हो यस। अगर आपके पास यस है तो यस कर दीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप तो भी नो कर दीजिए, क्योंकि आपसे जब संपर्क करेगा तो अच्छे तरीके से आप बात कर पाओगे, तो यस आपको करना है, उसके बाद नेक्स्ट आपको करना है। यहां पर ये बोल रहा है इज देयर एन इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट अवेलेबल एट द लोकेशन, जैसा कि आपको पता है कि फ्रिज में खाना रखते हैं तो उस खाने को जो है वो खराब नहीं होने देता फ्रिज, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, जहां पर जो है वो लोकेशन होगी आपकी वहां पर फ्रिज को इंस्टॉल करेंगे ना वो बंदे, उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, तो यहां पर अगर आपके पास वहां पर इलेक्ट्रिसिटी है तो यस करना है, वरना नो करना है, बेसिकली होनी चाहिए तभी ये इंस्टॉल हो पाएगी, तो आपको यस करना है। यस करने के बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, और यहां पर गाइस आप देख सकते हो फोर स्टेप है वो आपको ध्यान में रखना है। यहां पर लिखा हुआ है हाउ मेनी हैप्पी फ्रिज डू यू हैव नीड टू मेक योर कम्युनिटी हंगर एंड फूड वेस्ट फ्री, तो यहां पर ये बोल रहा है कि आपको कितनी फ्रिज चाहिए, हैप्पी फ्रिज चाहिए जहां पर जब आप कम्युनिटी बना रहे हो आपकी, जहां पर इंस्टॉल करवानी है आपको, जहां से जो बंदे भूखे हैं वो खाना ले सकते हैं और जो डोनर है वो डोनेट कर सकते हैं, इस तरीके से आप जो है वो लगा सकते हो, आपको कितनी लेनी है वो लगा सकते हो, एक लेनी है दो लेनी है वो आप लिख सकते हो। उसके बाद नीचे आप देख सकते हो एक ऑप्शन देखने को मिला है आई एग्री द टर्म एंड कंडीशन, इसको आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है जितनी भी आपको लेनी है, एक या दो तीन जितनी भी आपको लेनी है उसको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हो ये जो टीम है रेड एफएम की वो आपसे संपर्क करेगी और उसके बाद जो है वो आपसे बात कर लेगी और कहां पर इंस्टॉल करना है कैसे करना है वो आपका जो बात हो जाएगी। फिलहाल मैं जो है यहां पर सबमिट नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे जो है वो पूरी जानकारी लेने के बाद ही सबमिट करनी है कि इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट मैं जहां पर इंस्टॉल करवाना चाहता हूं वहां पर है या फिर नहीं है, पूरी जानकारी लेने के बाद ही आपको सबमिट करना है। तो गाइज ये था आज का वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस दिवाली तक ये वीडियो हर बंदे के पास पहुंच जाना चाहिए ताकि वो लगवाना चाहे तो लगवा सकता है। आप भी घर से कहिए ये दिवाली नो पेट खाली।